उस सिंगोनिया में डॉक्टर बनने की शुरुआत हुई, और वो जो शुरुआत हुई उसमें भाई शरवर जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज जितने भी मेरे बड़े भाई हम अग्रज भी मानते हैं, और इस क्षेत्र में जितने भी डॉक्टर बन रहे हैं वो या आगे बनने वाले हैं, उनके आशा की किरण के रूप में भाई शरवण जी का हमारे क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही सबसे पहले हमने जब हम पढ़ते थे तब स्थिति ये थी कि हमारे आसपास के 50 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, और बाद में उसके बाद में जब हम जयपुर पढ़ करके बीएससी एमएससी तक आए तो हिंगोनिया हमारे पास में 6 किलोमीटर दूर गांव है, उस हिंगोनिया में डॉक्टर बनने की शुरुआत हुई, और वो जो शुरुआत हुई उसमें भाई शरवण जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज जितने भी आसपास के एरिया क्षेत्र में जितने भी बच्चे जो ये मानते थे कि अभी डॉक्टर बनना तो इतना आसान नहीं है, आम आदमी जो किसान वर्ग के बच्चे हैं वो सहज ही जो कोटा और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट जिनका नाम चल रहा था, जहाँ पैसे जमा होते थे सिर्फ, और बच्चे लास्ट में स्थितियाँ ये रही है कि वो बच्चे डिप्रेशन और टेंशन से बहुत सारी ट्रेजडियों के शिकार होकर के गाँव में आते थे, तो एक गाँव में इस तरह का भय का वातावरण था कि ऐसे माहौल में अगर अपन बच्चों को डालेंगे तो क्या पता मेरे बच्चे के साथ ऐसी स्थितियाँ हो जाए। भाई शरवण जी का मैं सबसे बड़ा धन्यवाद इस चीज़ का दूंगा कि इनका जो कैंपस है, मैं काफ़ी बार गया हूँ वहाँ, ऐसा माहौल है, बच्चे महसूस करते हैं कि मैं मेरे घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ। शाम के टाइम में जैसे आरतियाँ होना, रामायण के पाठ होना, वहाँ जो गायत्री के पाठ होना, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो बच्चों को आध्यात्मिकता प्लस उनको मानसिक रूप से मजबूत करती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कोटा और अन्य जगह जो इंस्टीट्यूट हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर ये निश्चित रूप से ये चीज़ देखने को मिलती है कि सीकर में इस तरह की इनके इंस्टीट्यूट की आज तक कोई घटना नहीं हुई। बच्चे पॉजिटिव रूप में घर खासा वातावरण मिलता है। मेरे परिवार की एक बच्ची कविता तेतरवाल जो मेरी भतीजी है, उस बच्ची का सिलेक्शन होने के बाद 8 बच्चे भाई शरवण जी के वहाँ अभी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी बढ़िया स्थिति में है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज गाँव में जो स्थितियाँ बनी है, जो सपना CLC लेके चली है, वो निश्चित रूप से हमारे एरिया में साकार होता आ रहा है। थैंक यू। मैं फिर से एक बार फिर से स्लाइड को फिर से एक ही बात करना चाहूँगा, फ्रेम को बेटा मेंटेन रखें। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि हम लोग यहीं से कहीं निकले हैं। मैं भी ऐसे, मेरा गांव तो बहुत बैकवर्ड है, गांव तो बहुत एडवांस है। आप देखो कि आपके 8-8 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। CLC के साथ एक प्लस पॉइंट है, जिस परिवार ने विश्वास किया, जिसने फेथ किया, वो पूरा का पूरा परिवार सेट होता है।